हाँ तो बेटा इसमें सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक चार्ज प्लस क्यू जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे है, जैसे इसने शो किया हुआ है एक सर्कल के सेंटर पे है, अनदर चार्ज बेटा ये पे है। वर्क डन पूछा हुआ है कि वर्क डन अगर हम लेके जाएं चार्ज को ए से बी पाथ के अलोंग या ए से सी पाथ के अलोंग, तो किस में मैक्सिमम होगा किस में मिनिमम होगा। तो पहले तो मुझे बताओ भाई एक चार्ज के लिए, एक सेंटर पे रखे चार्ज के लिए बेटा ये जो स्फीयर होता है ये कैसे सरफेस होती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। यानी अगर मैं एक चार्ज को इस पॉइंट ए से है ना कैसे भी करके इस पॉइंट बी तक लेके जाऊं या कैसे भी करके इस पॉइंट डी तक लेके जाऊं, तो भाई ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी डी है बेटा, तीनों के पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो जब सेम है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है? जीरो। तो बेटा तीनों ही केस में वर्क डन अपने पास कितना आएगा? जीरो। तीनों ही केस में बेटा वर्क डन कितना आएगा? जीरो। तो जीरो अलॉन्ग एनी ऑफ दी फोर पाथ, ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन बेटा एट्थ क्वेश्चन देखिए, इफ अ सोप बबल इज चार्ज ऑफ द सेम पॉजिटिव एज नेगेटिव एज इनिशियली नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस, मतलब जितना पहले उस सोप बबल पे पॉजिटिव था अगर मैं उतना ही उसको नेगेटिवली चार्ज कर दूं तो उसने क्या पूछा हुआ है? उसने पूछा है बताओ उसका रेडियस जो है डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, फर्स्ट डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। तो बेटा इस बात को ध्यान दो कि अपने पास एक जो चार्ज बबल होता है, एक बबल जो है जिसका रेडियस आ रहा है अभी वो चार्ज नहीं है, है ना, तो उसका नॉर्मल रेडियस ही रहेगा, बट अगर मैं इसको चार्ज कर दूंगा तो बेटा ये सिमिलर नेचर के चार्ज है, तो सिमिलर नेचर के चार्ज के बीच में आपस में क्या लगने लग जाएगी? रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करेंगे तो बेटा ये सोप बबल फैलेगा, है ना, स्प्रेड होगा। यानी एक चार्ज्ड सोप बबल, तुम्हें क्या रखना है, एक चार्ज्ड सोप बबल जो होता है उसका रेडियस होता है वो है ज़्यादा, वो पहले से ही एक्सटेंड हो रखा है, उसका रेडियस क्या है? ज़्यादा। अब आज इसने क्वेश्चन में क्या बोला, आज इसने क्वेश्चन में बोला कि भाई अपने पास जो है एक सबसे पहले एक पॉजिटिवली चार्ज सोप बबल था, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज सोप बबल तो पहले से ही था, ठीक है, उसको हमें नेगेटिवली चार्ज सोप बबल बनाना है। तो एक पॉजिटिव पहले से था, मतलब उसका रेडियस बेटा पहले से ही ज़्यादा था, उसका रेडियस पहले से ही ज़्यादा था। अब पहले अब उसको नेगेटिवली बनाना है तो बेटा इसको मैं माइनस क्यू चार्ज दूंगा, तो माइनस क्यों चार्ज दूंगा, तो सबसे पहले ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये सो बबल न्यूट्रल बनेगा, चार्ज से वो सबसे पहले क्या बनेगा? न्यूट्रल। पहले न्यूट्रल पे आएगा तो उसका रेडियस जो पहले से एक्सटेंड हो रखा था वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये नॉर्मल रेडियस पे आ जाएगा आर पे, ना, यानी पहले उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज था ऑलरेडी, अब वो डिक्रीज हो जाएगा कहाँ, आर से कहाँ पहुँच जाएगा? आर तक। फिर हम इसको अभी और नेगेटिव चार्ज देंगे क्योंकि हमें तो उसको नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो और उसको चार्ज देंगे तो बेटा अभी ये और नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज सोप बबल बनेगा, तो फिर से इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी बेटा अपना आंसर आएगा फर्स्ट इन डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अच्छा बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, ज़रा देखिए। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में बेटा पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है, हमसे ही पूछा हुआ है पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा कर देनी है, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देनी है, 2x² + 4y² + 5। चलिए बेटा यहाँ हम कर लेते हैं 2x² + v = 2x² + 4y² + 5, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स सॉल्व करोगे तो यह बनेगा 4x, है ना, ऐसे ही डेल वी बाई डेल वाई सॉल्व करोगे, डेल वी बाई डेल वाई सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 8y। और कांस्टेंट की बेटा डिफरेंशिएशन जीरो ही है, तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर लिखोगे तो माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ बनेगा 4xi कैप + 8yj कैप। तो ये बेटा आंसर है, थैंक यू।